हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद सर। मैं पवन और अभी मैं हूँ हरिद्वार में। एक्चुअली मैं पहले ऋषिकेश घूमा और अभी ऋषिकेश से हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार में। और मैं हूँ अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा हर की पौड़ी में हरिद्वार। और ये पूरा ब्लॉग इस पर रहने वाला है कि आप लोग कैसे हरिद्वार आना है, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस पूरे ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो अभी हमारा स्थान हो गया है गंगा स्नान और अगर यहाँ से अलवाइट मंदिर के लिए, जो कि मैं बाहर चल के आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम यहाँ से बाहर चलते हैं और ये पूरा व्यू मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, देख लीजिए। ये वो पुल है इधर से उधर जाने के लिए, काफ़ी लोग जाते हैं और भीड़ भी अच्छा खासा है यार। देख रहे हैं आप लोग अच्छा खासा भीड़ आप लोगों को बैक कैंड इधर दिखाता हूँ। देखो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। चल रहे हैं अभी हम बाहर। और यहाँ पर आप लोग भगवान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और हाँ, नीचे और ऊपर जाते वक्त आप लोगों को ऐसे ऐसे व्यू तो मिलते ही रहेंगे। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए हैं मनसा देवी टेम्पल ऊपर एकदम। अगर किसी को रोपे से आना है तो रोपे से भी आ सकता है, बिल्कुल हम रोपे से लेने हैं क्योंकि हमारे मतलब अपनी स्कूटी ली हुई है रेंट पे 500 पर डे ऑलरेडी, 3-4 दिन के लिए अपना लिया हुआ है। तो हम लोग तो स्कूटी से ही आ गए। आप लोग भी अगर स्कूटी वगैरह रेंट पर लेते हो तो आ सकते हो। बाकी 120 रुपीज़ टिकट है मनसा देवी तक का दोनों तरफ का, आप लोग इससे आ सकते हो रोपवे से भी। और ऊपर चलते हैं, जो भी मैं दिखा पाऊँगा। मेन मंदिर में तो फोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ और जो भी होगा जितना भी होगा मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। अभी मनसा देवी टेम्पल एकदम टॉप फ्लोर ऊपर मेन मंदिर पे और पूरा हमने घूमा। ये बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और ये पीछे का व्यू आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे पूरा हरिद्वार दिख रहा है। तो चल रहे हैं अभी हम बाहर की तरफ। अभी हम आ गए मनसा देवी टेम्पल से चंडी देवी टेम्पल और हमने अपनी स्कूटी उधर पार्क कर दी है। वैसे ही पार्किंग है, मतलब सबने पार्क कर रखी है। वरना बोल रहे थे प्रसाद लो 250 रुपये का, तो आपको पार्किंग करनी पड़ेगी। मतलब पार्किंग है, वहीं खड़ी कर दो बस ऐसे ही। बाकी रास्ते का भी आपने देखा होगा और मनसा देवी टेम्पल भी यहाँ से दिखता है, वो दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा है। चलते हैं पहले रुपये का टिकट लेते हैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या कैसे है। तो चलते हैं। अभी हमने चंडी देवी के लिए रुपये का टिकट ले लिया है 2 जने का, जो भी मुझे पड़ा है 386 रुपीज़ के, 386 रुपीज़ का पड़ा है। और बस अभी हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं 2 जने के लिए 386 का।
क्योंकि आप यहाँ पे कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट दोनों कर सकते हैं। बाकी आपको प्रसाद वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऐसे वापस ये है सामने, उसके बाद यहाँ से हम अभी एंट्री कर रहे हैं। अभी हम बैठ चुके हैं रोपवे में और ये एक रोपवे में चार लोगों को बैठा रहे हैं। बाकी अब दो तीन लोग भी हैं तो वही बैठ सकते हैं। और टिकट वगैरह का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वो सब आप देख लेना आगे। तक का मेरे को ना सबसे ऊपर लगा है, जितनी जगह मैं रोपे में बैठा हूँ इतनी जगह सबसे ऊपर मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है इसका। और व्यू को तो बात ही अलग है, ये देखो व्यू तो आप आएंगे तो पता चलेगा, आप चलेंगे तो पता चलेगा, आप आइए पता चलेगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू है, यहाँ से हम लोग वीडियो के द्वारा इतना समझ में आता है, देख लीजिए, फिर आके देखिए। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं मेन माता के मंदिर के और आप लोगों को भी मैंने दर्शन कराया। वीडियोग्राफी लोड नहीं है पर छोटी सी मैंने क्लिप दिखाई है, आप लोग देख लीजिएगा। आज अभी चलते हैं हमारी की तरफ। बता दूं आप लोगों को, जैसे यहीं पर एंट्री था 200 मीटर आगे पैदल के लिए है, तो अगर आप लोग पैदल जा रहे हो और अगर आना है तो सिंगल के लिए 122 रुपये रोप पेगा अगर सिर्फ एक जना आ रहा है, और 150 रुपये में दो जने आने के लिए जो एक पे एक फ्री है, तो ये भी ठीक है यार। अगर किसी को सिर्फ आना है तो वही बहुत बढ़िया। वैसे हम लोग तो गए भी और आए भी, तो हम लोग 393 जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है टिकट का वो सब बता दिया। चलते हैं आसपास में एक दो मंदिर और वो भी एक्सप्लोर करते हैं, देन फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम आ चुके हैं चंडी देवी मंदिर से शांति कुंज के लिए, जो कि 9 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छा व्यू है, आप वहाँ पे एक बार घूम के आओ। तो वहाँ से हम आ गए और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा देते हुए देखिए। और यहाँ पर सिर्फ आपको कोविड रिपोर्ट दिखानी है, जो एंटीजन टेस्ट होता है स्टेशन पर वो, या फिर वैक्सीनेशन रिपोर्ट। और यहाँ पर हमने यहाँ से एंट्री करी है और चल रहे हैं अंदर, देखते हैं पूरा क्या है कैसे है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर।
तो ये हमारा हिंदू धर्म हो गया। अगर हम किसी को निगलेक्ट करके छोड़ के चले जा रहे हैं, सामने है कोई आपने गिर पड़ा है, हम देखते हुए चले जा रहे हैं, उसकी मदद करिए, हो सके तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाइए, ये भी धर्म है। उस जरूरी है सबसे पहले इसको आपातकालीन धर्म भी। तो अभी मैंने आप लोगों को अखंड दीप दिखाया जलते हुए, माता का मंदिर भी, और यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह भी सिखाया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और मतलब कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब। भाई कोई भी अगर कुछ भी सीखना चाहता है तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, हर एक चीज़ ज्ञान दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है। तो जो ये कहते हैं कि मतलब पैसा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, खाना वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी का भी कोई चार्ज नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी मतलब कोई भी आके रह सकता है यहाँ पे, और जो कोई स्टे करना चाहे तो उसके लिए भी है सब व्यवस्था है यहाँ पे। चलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं और नेक्स्ट कहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो अभी सब जगह घूम के यहाँ पर पास में ये एक रेस्टोरेंट था, उन्होंने बहुत सही बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, और लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ क्या ट्रिप रहने वाला है, कितना बजट रहना है, कितने होटल ले सकते हो आप, और क्या घूम सकते हो, कैसे घूम सकते हो। वैसे बेस्ट नहीं स्कूटी है यहाँ पे, स्कूटी लो और आराम से सारी जगह कवर हो जाएगी आप लोगों की, 500 में स्कूटी मिल ही जाएगी। तो बजट की बात कर लेते हैं एक बार, पहले खाना वाना फिनिश कर लेते हैं फिर।